तो मैंने कम्युनिटी टैब में एक सवाल पूछा था कि Asus ZenFone Max Pro M1 के लिए एक नया अपडेट आया है जो कि बिल्ड नंबर 084 है, तो उस पर्टिकुलर अपडेट के ऊपर आपको वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। तो कुछ लोगों ने कहा हाँ, कुछ ने कहा ना। बेसिकली ओवरऑल बात करें तो मुझे रिस्पॉन्स उस पर काफ़ी अच्छा मिला है, तो मैंने सोचा फाइनली ये वीडियो मुझे आपके लिए बनाना चाहिए। तो इस वीडियो में आपके साथ मैं यही शेयर करने जा रहा हूँ कि इस अपडेट के अंदर आपको क्या कुछ नया मिला है और क्या कुछ बग्स आपको इसके साथ में मिले हैं, और थोड़े बहुत बात करेंगे बाकी चीज़ों के बारे में। तो आप अगर मुझे रेगुलर फॉलो करते हो तो उम्मीद है आप ये वीडियो पूरा देखोगे, और अगर नहीं करते हो तो भाई देखना लास्ट तक, हो सकता है कुछ मजेदार चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर कर दूँ, वो आपको देखने में बहुत मज़ा आएगा। सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग, मैं हूं आपके साथ विकास। और यार बात कर लेते हैं सीधा अपडेट के बारे में। तो 84 अपडेट ZenFone Max Pro M1 के लिए आ चुका है। अब देखो सिंपल सी बात, पहले मैं आपको ये बता दूं, मेरा कोई मन नहीं था इस अपडेट के ऊपर वीडियो बनाने का, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि मैं आपको पर्टिकुलर एक वीडियो बनाऊं। लेकिन मैंने कम्युनिटी टैब में पोस्ट डाला था, आप लोगों ने उस पर अच्छा रिस्पॉन्स दिया, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैंने आपसे जो प्रॉमिस किया है मैं उसको निभाऊं। तो Asus अगर कभी कोई अपडेट देता है और उस अपडेट के साथ में बग ना दे तो भाई किस बात का Asus, मतलब हमें तो बग्स चाहिए क्योंकि हम लोग डिजर्व करते हैं, हमने गलती करी है ये फोन खरीद के। तो ऐसा मैं तो यार सोचता हूं, आप लोग भी शायद से सोचते होंगे, और बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके ये चीजें बोलते भी हैं। तो देखो सबसे पहले इस अपडेट के अंदर हमें क्या नई चीजें मिली हैं वो बात करें, बेसिकली चीजें नहीं सिर्फ क्या चीज मिली है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हमें जुलाई के महीने का सिक्योरिटी पैच इस अपडेट के अंदर देखने को मिल जाता है। अपडेट की अगर बात करें तो अपडेट का जो बिल्ड नंबर है, जैसा मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, 84 है, और अपडेट का साइज मात्र अगर आप OTA के थ्रू करते हो तो 63 MB का है। अपडेट 20 तारीख को रिलीज किया गया था, मुझे उसके एक से दो दिन के अंदर ही मिल गया, और जैसे ही अपडेट मुझे मेरे फोन पर मिला मैंने इस अपडेट को अपने फोन में इंस्टॉल कर लिया। हालांकि मैनुअल तरीके से मैं इसको करने वाला था, लेकिन मैनुअल फाइल डाउनलोड करने के बाद में मैंने सोचा एक बार OTA भी चेक कर लेते हैं, तो मुझे OTA मिल गया था, मैंने वो अपने फोन पे इंस्टॉल कर लिया। अब थोड़ी बात कर लेते हैं बग्स के बारे में। तो दरअसल जब ये अपडेट Asus ने रिलीज किया था मैंने इसको अपने फोन पे डाउनलोड कर लिया था। इसकी जो मैनुअल फाइल होती है डाउनलोड करने के 1.53 GB की, वो मैंने डाउनलोड कर ली, तभी मैंने सोचा कि इसका OTA भी शायद मुझे मिल जाए, तो मैं OTA में गया, वहां से मैंने इसको अपने फोन पे फ्लैश कर लिया। अब आपको ये भी बताऊंगा कि मैनुअली आप कैसे कर सकते हो, बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं बग्स की। तो देखो यार इसके अंदर कुछ बग्स हैं जो लोगों ने नोटिस किए हैं, पर्सनली मैं अपनी बात करूं मुझे ऐसा कोई बग नहीं मिला है देखने के लिए, कुछ माइनर सी चीजें हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्रोम की। तो जब आप ब्राउजिंग कर रहे हो अपने फोन पे गूगल क्रोम के साथ में, तो ब्राउजिंग के टाइम पे कभी कभी क्या होता है, आपका जो पेज होता है जो आप ब्राउज कर रहे हो ना, स्क्रॉल कर रहे हो, वो अचानक से स्टक हो जाता है। आप उसको ना तो ऊपर की तरफ एक्सेस कर पाते हो, ना नीचे की तरफ स्क्रॉल कर पाते हो, ना ही बैक फॉरवर्ड वहां पे आपका काम करता है, मतलब आपका जो ब्राउजर होता है वो पूरी तरह से स्टक हो जाता है, फ्रीज होता है। ऐसे में आपको क्या करना होता है, अपने फोन को वापस से या तो होम स्क्रीन पे लेके जाना पड़ता है जो बटन होता है होम स्क्रीन वाला उसके थ्रू, या फिर रिसेंट ऐप्स को खोल करके वापस से अपने ऐप में आना पड़ता है, तब जाके आपकी ये चीज काम करती है। और अगर इस इशू की बात करें तो यार ये इशू मुझे नहीं लगता इस अपडेट के साथ में आया है, ये पहले से चल रहा था। और अगर बात करें एंड्रॉइड 10 की जो बीटा अपडेट्स आते हैं उनमें भी मुझे ये इशू देखने को मिला था, तो ये कोई नई चीज नहीं है लेकिन बग है। जो दूसरा बग सबसे ज्यादा सुनने को मिल रहा है वो ये है कि आपका जो लॉन्चर है फोन का डिफॉल्ट, जो कि क्विक स्टेप लॉन्चर होता है, वो बार बार क्रैश कर जाता है। हालांकि मैंने अपने फोन में इस अपडेट को डाले हुए 2 से 3 दिन हो गए हैं, मेरे फोन के साथ में ऐसा कोई भी इशू मुझे अभी तक देखने को नहीं मिला है, लेकिन Asus की जो कम्युनिटी होती है वहां पे लोग आपस में बातें करते रहते हैं, वहां से मुझे इस बग के बारे में पता चला है, मेरे साथ में ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और जो एक और बग फेस करने के लिए लोगों को मिल रहा है वो है इसकी टच के साथ में। कुछ लोगों का कहना है कि टच पहले के जैसे काम नहीं कर रही है, उतनी ज्यादा रेस्पॉन्सिव नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है हम लोग टच करते हैं लेकिन टच हमें रेस्पॉन्स नहीं करती है। तो भाई ये बग भी देखो मेरे साथ में काम नहीं कर रहा है, मतलब मेरे साथ में चीजें ठीक से काम कर रही है, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है। तो अगर आप लोगों के साथ में इन सारे बग्स में से कोई भी चीज हो रही है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना ताकि मुझे पता चल पाए, क्योंकि मेरे पास में जो वेरिएंट है वो 6 GB वाला, हो सकता है आपके पास में 3 GB या 4 GB वाला वेरिएंट हो, उसके साथ में चीजें थोड़ी सी अलग हो। और अब यार एक और इंपॉर्टेंट चीज के बारे में आपसे बात करने वाला हूं, वो है मैनुअल अपडेट। देखो अब से पहले मैंने वीडियोस बनाए हैं, वहां पे मैंने आपको दिखाया है कि कैसे मैनुअल अपडेट करना होता है। ऑलरेडी मुझे याद है रिसेंटली 2 वीडियोस भी मैं बना चुका हूं जहां मैंने एंड्रॉइड 10 को मैनुअली अपडेट करना दिखाया था, और उसके रिव्यू में भी जहां Q&A मैंने लिया था आप लोगों का, वहां भी आपने मुझसे सवाल पूछे थे तो वहां भी मैंने क्लियर किया था, लेकिन अभी भी मुझे वो सवाल आ रहे हैं तो इस वीडियो में मैं एक बार फिर से आपको बता देना चाहता हूं। देखो जब भी आपको मैनुअल फोन को अपडेट करना हो
तो उसके लिए आपको सबसे पहले फाइल डाउनलोड करने लिए ऑफिशियल वेबसाइट से, वो आप डाउनलोड कर लोगे और डाउनलोड करने के बाद में उस फाइल को आपको रखना है आपके फ़ोन के इंटरनल स्टोरेज में। अब रखने का मतलब ध्यान से सुनना, यहाँ पे आपको फाइल को कॉपी नहीं करना है, नॉर्मली आपकी डाउनलोड्स के फोल्डर में जाती है वहाँ से कॉपी नहीं करना है। कभी आप पता चला उसको इंटरनल स्टोरेज में कॉपी कर लो, दो दो जगह हो जाएगी, तो कुछ केसेस में क्या होता है फाइल डिटेक्ट नहीं होती है। तो सिंपली आपको उस फाइल को डाउनलोड्स के फोल्डर से निकाल करके यानी मूव करना है और अपने इंटरनल स्टोरेज में रख लेना है बिना किसी फोल्डर के। इसके बाद में आप अपने डिवाइस को रीस्टार्ट करना, कुछ सेकंड्स का आप वेट करोगे, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, उस पर आप सिंपली प्रेस करोगे और वहां से आपका इंस्टॉलेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा और आपका अपडेट बड़े ही आराम से हो जाएगा। तो यार ये कुछ चीज़ें थी, मुझे बहुत ज़्यादा मेजर तो नहीं लगा, लेकिन फिर भी आप लोगों की डिमांड पर मैंने ये वीडियो बना दिया और आपका जो डाउट था मैनुअल अपडेट नहीं होता है कुछ लोगों का, वो भी मैंने क्लियर कर दिया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आप लास्ट तक वीडियो देख रहे हो तो। और बस इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आपका कोई फ्रेंड है या फिर कोई भी है जिसके पास में डिवाइस है तो उसके साथ में वीडियो को शेयर कर देना, अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही और मज़ेदार वीडियोज़ के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ आने वाले किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।